हेलो एवरीवन, जय माता दी, राम राम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए सुबह सुबह पहुँच गई हूँ किचन में और सबसे पहले तो रख दिया मैंने, देखिए एक साइड रख दिया चाय बनने के लिए, ये बन रही है चाय। और कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, तो उसके लिए मैंने ये देखिए भिगा दिए थे चने रात को ही। तो आज बनाने वाली हूँ चने। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंडे और ठंड में जो है ना चने बहुत ज़्यादा पौष्टिक रहते हैं, गर्म तासीर के होते हैं और इनका अगर हम सूप वगैरह पी लें ना तो उससे भी बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। जैसे जिनको सर्दी जुकाम लग जाता है ना, तो सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है इनका सूप। काली मिर्च डाल के अगर हम पी लें तो सर्दी खांसी जुकाम जितना रहता है ना वो ठीक हो जाता है। तो बस आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी यही। और देखिए ना साथ साथ में सुबह सुबह, तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड के कारण ही बताओ ना ये कमर में शॉल भी लपेट ली हूँ, कमर में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। गर्म पानी लेना, तुमने पीना गर्म पानी? गर्म पानी पीना तो है ही केटली में, नहीं पीना। और देखिए सुबह सुबह गर्म पानी ही पीना चाहिए जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और देखिए आज करनी है बहुत सारी तैयारी क्योंकि आज साल का लास्ट दिन है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या तैयारी करनी है हमने, कैसे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं न्यू ईयर ईव को। तो चलिए बना लेती हूँ मैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय जगदीश राम दूत अतुलित बल धामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के सांगी, कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे, सुवन सुवन। तो फ्रेंड्स जब तक बन रही है ना चाय तब तक ये लड्डू भी निकाल लेती हूँ मैं फटाफट से। चलिए आप लोग भी हमारे साथ गर्मा गर्म चाय और लड्डू खा लीजिए। उसके बाद हमने इस तरह से बैठकर सभी ने इकट्ठे चाय भी पी ली थी और साथ में लड्डू भी खा ली। और चाय पीने के बाद आ गई थी किचन में और देखिए तब तक मेरे चने भी उबल गए थे। और उसके बाद इस तरह से सबके लिए सूप निकाल लिया था। और सर्दियों में वैसे भी सूप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है सेहत की दृष्टि से। और ये काली चन जो मिर्च थी मैंने पीस कर रख ली थी कुंडी में और उसको जो है फ्रेश कूट के डालें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो इस तरह से और शुद्धता भी रहती है घर में कूटी हुई की। और सबको जो है इस तरह से मैंने सूप दे दिया था क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम लगा हो तो वो ठीक हो जाता है। और उसके बाद जो है लग गई थी आटा गूंदने के लिए और फटाफट से आटा गूंदने के बाद सब्जी भी बना ली थी। सुबह के काम निपटाने के बाद चली गई थी बाहर थोड़ी देर धूप सेकने के लिए। तो देखिए ना बाहर कितना अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी आज। तो थोड़े से धूप का मज़ा लेने के बाद अब फिर से चल पड़ी हूँ किचन में, कर लेती हूँ अगली तैयारी। तो किचन में आने के बाद देखिए एक साइड रख दिए थे चावल पकने के लिए और दूसरी साइड ये बचा हुआ था घी से निकला हुआ मावा, इसी से बना लूँगी मिल्क केक। तो चलिए इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसमें बस गर्म करने के बाद एक कटोरी जो है देखिए इस तरह से मैंने डाल दी थी दूध की और इसे अच्छी तरह से जल्दी जल्दी मैं चला लूँगी। और जब ये इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर जो है मैंने डेरी मिल्क का मिल्क पाउडर लिया था, इसकी जो है आधी कटोरी हमने मिल्क पाउडर की इसमें ऐड करनी थी। और इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे ताकि इसमें जो है लम्स ना बने। और साथ साथ में देखिए जब तक मैं इसको बना रही थी नीरज लगा हुआ था अपने काम में, तो उसने ये रख लिए थे बिस्किट। आज जो है वो बिल्कुल ऑरेंज फ्लेवर वाला जो है बनाने जा रहा है मिल्क केक। और देखिए खाना बन गया तो ऋषि अपने आप लेकर चल पड़ा है खाना खाने के लिए, इसे भूख लग गई थी। तो नीरज बस जो है इन बिस्किट्स का बना रहा है पाउडर। तो तब तक ये पक चुका था
दूध भी और पाउडर भी और काफ़ी गाढ़ा हो चुका था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी। तो चीनी मैंने इसमें 3 छोटी चम्मच ऐड कर ली थी स्वाद के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा मावा जो है थोड़ा सा ही था। और उसके बाद इस तरह से आधी कटोरी डाल दी थी इसमें मैंने नारियल की। और इनको भी जो मैं अच्छी तरह से अब पका लूँगी, इनका थिक सा पेस्ट बना लेना है। तो उस तरह से जो है इसको मैंने काफ़ी देर चला चला के जो है इसको इस तरह से बनाना है। तो देखिए अब जो है ये इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से जो है अगर हम छोटी मोटी चीज़ें घर में बनाते रहें और बच्चों को खिलाएं तो काफ़ी हेल्दी भी बनती है और प्योरिटी भी रहती है, शुद्धता रहती है। बिल्कुल भी मार्केट वाली जो भी चीज़ें हैं ना वो शुद्ध नहीं होती। और इसमें थोड़े से ऐड कर दिए थे मैंने बादाम। और उसके बाद देखिए अब ये रेडी हो चुका है मेरा थिक सा पेस्ट। तो मैंने इसी प्लेट में इसको जो है ट्रांसफ़र कर लिया है। प्लेट में थोड़ा सा लगा लिया था मैंने, नीचे ऑयल घी लगा लिया था, ऑयल तो नहीं। और इस तरह से जो है इसको निकाल लिया था, ज़्यादा मोटी लेयर तो नहीं डाली थी बट इस तरह से। और इसके बाद जो है इसको हम गार्निश कर लेंगे ड्राई फ्रूट से, जो भी आपके पास अवेलेबल है और जो भी आपको पसंद है सारी चीज़ें। तो बस मैंने भी जो है इसमें ऊपर से जो है थोड़ा सा बादाम वगैरह जो है डाल लिए थे और इस तरह से इसको सजा लिया था। तो देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा खाने के बाद। तो मिल्क केक तो हमारा बन चुका था और आप देखिए बारी आ गई है केक की। तो केक के लिए बिस्किट्स इस तरह से नीरज ने ग्राइंड करके रख लिए थे और अब चलिए हम बना लेते हैं केक फटाफट से और रेसिपी भी शेयर करते हैं। अच्छा डाल दूं, ये देखो कितने कांस्टेंट। गुड गुड वेरी गुड। हां जी हां जी, रुकना तो रुकना तो डालना नहीं अभी तो, ये रुक जा कुंटा यार, मैं इधर को कल सिखाया था, तू आज भूल गया नीरज भाई। हाँ जी हाँ जी भूल गया। रुको तो कैसा लगा मेरा मजाक? देखिए भाई नीरज भी बना रहा है मेरे साथ, आज न्यू ईयर की तैयारियों में लगा हुआ है पूरा आपके साथ कि मैंने बनाया सारा। हाँ यानी कि बेनिफिट मेरा और क्रेडिट मेरा और काम इसका, बेनिफिट नहीं क्रेडिट माता। ओके ओके ओके, क्रेडिट मेरा और बेनिफिट मम्मी का है, मतलब मम्मी का काम तू कर रहा था, बेनिफिट ही हो यार। आयुष्मान बहु। और ये बन चुका था पूरा पेस्ट और ये डाल दी थी ग्रीसिंग करके मैंने, इसमें ट्रांसफर कर दिया था टीन में और प्री हीट होने के लिए रख दिया था साथ में पतीला मैंने तब तक। और इस तरह से बस आज जो है इसको सिंपल सा केक जो है बना रहे हैं और पूरी पूरी हेल्प करता है। जब भी मैं इस तरह से चीज़ें करती हूँ तो नीरज ने पूरी हेल्प की थी मेरी। और देखिए ऋषि बार बार अभी आ रहा है, गया नहीं है, देखने में लगा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और देखिए आप लोग भी कर रहे होंगे हम लोगों की तरह तैयारियां न्यू ईयर की। तो देखिए मैं तो किचन में और मेरे साथ जो है ना ये मेरा बड़ा बेटा नीरज, मिस्टर नीरज ब्राशर। हाँ मिस्टर नीरज ब्राशर, मुझे नहीं था सब पता। तो उसने पूरी पूरी हेल्प कर रहा है वो। तो मिल्क केक तो मैंने बना दिया है और अब जो है बनाने जा रहे हैं हम केक। केक का सारा क्रेडिट जाता है मिस्टर नीरज प्राशर को। केक का पूरा पूरा क्रेडिट जाता है नीरज प्राशर को। और इसके बाद जो है ना मैं बनाने वाली हूँ अभी मूर्ख। मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है वैसे भी सबको ना, बट मैं बनाने वाले मूर्ख नहीं, मैं खाने वाले मूर्ख बनाऊंगी। हंस क्यों रहा है? मैं काट लूं ले ख्याल मम्मी ख्याल से ए नहीं चलते आईफोन यूजर्स फ्रेंड्स। तो ऐसा है मतलब कि भाई उनको मेन मोटो होता है कि भाई अपना सैमसंग दिखाना, वीडियो दो दूसरे फोन से बनी होती है। तो नीरज और मेरी चली हुई थी गप्पे और साथ साथ में मैंने काट लिए थे इस तरह से ड्राई फ्रूट्स और अब कर लेंगे हम इसको गार्निश केक को। तो इसमें भी पूरी पूरी हेल्प कर रहा था नीरज। और वैसे भी ना इसे इस तरह के काम करने में, मतलब कि कोई अच्छी सी चीज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है जब भी, और स्पेशली केक वगैरह जब भी बनाना हो ना तो वो अपने आप बनाना पसंद करता है। तो अच्छा भी लगता है ना जब बच्चे इस तरह से हमारी हेल्प करते हैं हमारे छोटे मोटे कामों में, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक जो है ना उनको सीखने का मौका भी मिलता है हर प्रकार की चीज़ें। तो गार्निश कर लिया था और अब मैं डाल दूँगी इसको इस तरह से प्री हीट किए हुए पतीले में। तो पतीला मैंने रख लिया था पहले से ही
और इसको इस तरह से छोड़ दूंगी 35 मिनट के लिए। पहले भी मैंने आपके साथ केक की रेसिपी शेयर कर रखी थी, तो चलिए छोड़ देते हैं अब इसे पकने के लिए और तब तक और कर लेते हैं हम काम। और देखिए साथ में खड़े होकर नीरज सुन रहा था गाने। चल क्या तो मुर्ख खाने से हम बनाऊं सच्चे थोड़ी से नहीं खाने तो बस यही दो चीजें खानी मिल साले तो मिल रहा है वो बना देती हूँ मटर बना देती हूँ थोड़ी से पनीर भी बनाना मटर पनीर नहीं मटर हाँ तो मटर बनाने तो पनीर भी बनाना था तो मटर अकेले अच्छे लगते तो आलू डाल देना थोड़ा सा ठीक है ऐसा करना आलू है ना तो आलू के चिप्स बनाओ यस बोलते हैं इसको आपकी तरह नहीं हूँ पोटैटो चिप्स बनाते हैं चल ठीक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड ब्रिलियंट माइंड ओके अच्छा जी अच्छा तो नीरज के जाते ही देखिए ना अगले काम में लगी थी तो घर के मसाले हो गए थे मेरे सारे ख़त्म और मैंने जो है ना वो भी रख लिए थे पीस कर। और वैसे भी रहता है ना कि अपने घर में हमने खुद पीसे होते हैं मसाले तो उनकी शुद्धता भी रहती है और उनका टेस्ट भी अच्छा रहता है फ्रेश होते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से रख दिए थे मैंने मसाले पीस कर। तो जब तक मैंने किचन के और काम कर लिए थे तब तक देखिए 35 मिनट भी हो चुके थे और ये हो चुका था हमारा केक बनकर रेडी। तो तीन मैंने निकाल दिया है न्यू ईयर केक और बस अब इसको ऐसे ही खाना चाहें तो हम ऐसे ही खा लेंगे या तो फिर देखते हैं अभी इसकी डेकोरेशन करते हैं नहीं तो ये भी रेडी हो चुका है बच्चों के लिए भाई। तो बच्चों के सारे दिन का इंतजार हो चुका है ख़त्म क्योंकि अभी हो चुकी है रात और हम करने जा रहे हैं यहाँ पर सेलिब्रेट न्यू ईयर। और देखिए ना बच्चों से कंट्रोल नहीं हो रहा था और ऋषि लेकर आ गया फटाफट से मिले केक और वही काट रहा था। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग सेलिब्रेट न्यू ईयर बट उससे पहले आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर और चलिए आगे दिखाती हूँ किस तरह से किया था। बट उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर अभी अभी आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए आगे किस तरह से कर रहे हैं हम सेलिब्रेट। कैसा बना मिल्क केक इन्हें बताया समझ रहे हो ना Hehehehe